रामनगरी के दीप उत्सव ने अयोध्या के कुम्हारों का जीवन बदल दिया है। कभी रोजी रोटी के लिए परेशान दिखने वाले कुम्हार अब दीपोत्सव के दौरान ही 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं। दीपोत्सव शुरू होने के बाद कुम्हार परिवार के युवा बाहर जाने के बजाय अब इलेक्ट्रिक चाक घुमाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जयसिंहपुर गांव में दीपोत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई है। कुम्हारों ने बड़ी संख्या में दियों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस बार रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि 8वां दीपोत्सव और भी भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 25 लाख दीपों का जलाने का ऐलान किया है। अयोध्या में सबसे तो अच्छी कमाई हो रही है, बहुत अच्छी होती है जब से मनाया जाता है। हर साल कितने दिए आप लोग आपके परिवार में मनाए जाते हैं? अरे वही 20-30 हजार चला जाता है, जो हम लोग बना पाते हैं उसी उतना चला जाता है। ऐसे तो अच्छा है, सरकार ने अच्छा योजना बनाए हैं, अच्छा ही जाता है। हम लोग का कमाई थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाती है। हम लोग पहली बार जब से शुरू हुआ दीप उत्सव तभी से हम लोग दिया दीप उत्सव दे रहे हैं। आपकी 8वीं बार भी दीप उत्सव हम लोग बना रहे हैं, देने की तैयारी में लगे हैं। अभी हम लोग को ठेका नहीं मिला है, फिलहाल जब मिल जाएगा तो गति से काम होगा। कितने दिए हर साल आप देते हैं? हर साल हम लोग यहाँ करीब 40 घर मिल कुम्हार हैं, कोई 10 हजार, कोई 20 हजार, 50 हजार, जिसके घर में जैसे काम करने वाले हैं अपने हिसाब से वो ले लेता है। हम कुल मिलाकर 20 लाख 18 लाख 15 लाख इसी तरीके देते हैं। दिया पहले क्या था, दीप उत्सव नहीं होता तो कोई 10 हजार कोई 5 हजार बनाता था, वही घर में जलता था, 3 दिन बेचता था। अब ये है कि घर में तो जल ही रहा है, इसके लिए तो अच्छा कहेंगे। हम लोग भी थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, इससे फायदा हो जाता हम लोग का भी। 10-20 हजार दिया हम लोग भी बना के दे देते हैं, इससे थोड़ा कमाई हो जाती है हम लोग की ज्यादा।